ये है वो चौराहा जहाँ से अगर आप ये बहुत पुराना क्या है भाई साहब, मंदिर है क्या है ये है? मंदिर है? अच्छा अच्छा है? ना ना मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। भाई साहब क्या चीज़ बना हुआ है ये? हैं, मंदिर बना हुआ है, बहुत पुराना लग रहा है। आपको पता है क्या इतिहास है? अच्छा, आप यहाँ के रहने वाले नहीं? अच्छा अच्छा कोई लोकल पीपल मिले तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ। ये कोई पुराना मंदिर है या कोई राजा महाराजा का किला हुआ करता था। ये पोखरा देख सकते हैं, यहाँ आने जाने की जगह भी है। अंदर ये छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, दोनों साइड बने हुए हैं और बीच में एक पिलर भी मुझे दिख रहा है। बहुत ही पुराना है, बहुत ओल्ड है और पानी भरा हुआ है इसमें। यहाँ से नीचे जाने का रास्ता भी है इस साइड से, यहाँ से आप नीचे जा सकते हैं। ये सीढ़ी आप देख रहे हैं, यहाँ से आप नीचे जा सकते हैं और मुझे लगता है कि ये नहाने के पर्पस से बनाया गया होगा। ये वो कछुआ भी दिख रहा है, इसमें मछलियाँ भी हैं। कछुआ भी बहुत ही पुराना है, मुझे लगता है कि ये कम से कम 400-500 साल पुराना होगा। बड़े बड़े कछुए भी नज़र आ रहे हैं इसमें और ये मेंटेनेंस ना होने की वजह से बिल्कुल अछूता हुआ। उधर से बिल्कुल नहाने का बाथिंग घाट टाइप का बना हुआ है, पहले के ज़माने में लोग नहाते रहे होंगे इसमें। ये सीढ़ियाँ, चारों ओर से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, कोई मतलब आने जाने के रास्ते भी बने हुए हैं, कोई कहीं से भी आ जा सकता है, नहा सकता है। पुराना बरगद का पेड़ है, एक पीपल का भी पेड़ है, एक बरगद का भी पेड़ है। मैंने आते जाते कई बार देखा है लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश नहीं की। कुछ लोग बैठे हुए हैं, एक बार जानने की कोशिश करता हूँ। भाई साहब आप यहीं के रहने वाले हैं, बताइए जरा कुछ इसके बारे में। ना ना आप बताइए जो आपको जानकारी हो, क्या चीज़ है ये, मंदिर है या? मंदिर के नाम से। अच्छा, कोई राजा वगैरह भी रहा करते थे यहाँ? ये राजा रहते थे वहाँ, अखंड प्रताप सिंह नाम था ना। अच्छा अच्छा, जो धमरुआ स्टेट के हैं। अच्छा, धमरुआ एक जगह है पड़ती है, हाँ। अच्छा अच्छा, ये उन्हीं का बनवाया हुआ। कितना साल पुराना होगा ये? फिलहाल 100 साल से कम नहीं होगा। 100 साल से कम के नहीं। अच्छा, 100 से ऊपर है, मतलब इतिहास जो है 100 साल से पुराना हिस्ट्री है इसका। और आप ऊपर गुंबद भी देख सकते हैं, ये पोखरा भी देख सकते हैं। अच्छा, और क्या हिस्ट्री कुछ जानते हैं? अच्छा, ये किस पर्पज से बनाया गया था, मतलब लोग नहाते थे यहाँ पे? मुझे लगता है यहाँ जब राजा और हाँ हाँ अच्छा अच्छा राजा रानी का पूरा परिवार आता रहा होगा।
और कभी मेला भी लगता रहा होगा यहाँ? साल भर में 6 महीने, साल भर में 2 बार यहाँ मेला लगता। अच्छा, साल भर में? अब नहीं लगता? अभी भी लगता है। अच्छा, अभी मेला लगता है। इसके साफ सफाई वगैरह कुछ अभी नहीं हो पाती ना? नहीं, कुछ दिन पहले हुआ था। अच्छा अच्छा, कुछ दिन पहले हुआ था। यहाँ लोग चंदा वगैरह मिला करके लाइटिंग वगैरह का व्यवस्था करवाया। हाँ हाँ, इस समय फिलहाल काफी हाल हो गया है। नहीं, अगर गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे, कुछ पैसे इस पे खर्च करे तो। गवर्नमेंट इस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया, इस पर कोई निगाह नहीं डाला। हाँ हाँ, मतलब आइए इसको एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप कर सकते हैं लोग, लेकिन अभी तक कोई समझ नहीं पाया। अच्छा, हाँ, हम लोग काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ा, क्योंकि ये हमारी सांस्कृतिक विरासत तरह की एक तरह की है ना, और काफ़ी अभी स्थिति धार्मिक स्थल है, और इसको डेवलप कर सकते हैं अच्छी तरीके से। देश विदेश से लोगों को यहाँ पे आकर्षित किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, स्पेस है, ज़मीन है, और पोखरा भी है। ये बिल्डिंग अभी बहुत सही सलामत स्थिति में है, पार्किंग के लिए जगह भी है, साइड में दोनों चारों तरफ जगह भी खूब दिख रही है। तो जो है ये राम जानकी मंदिर का ही है ये। अच्छा, पूरा एरिया जो खेत वगैरह होगा, जमीन वगैरह होगा, बीघे में होगा ये। अच्छा, चार और बीघे में? हाँ, 4-6 बीघा से, भाई 5-6 बीघे से कम नहीं है। और है, हाँ हाँ, राम जानकी मंदिर के ही नाम से। अच्छा, हाँ, पीछे तक है। अच्छा, ये झाड़ियाँ जो दिख रही हैं ये इस साइड से शुरू होती हैं और पीछे तक ये कम से कम 3-4 हेक्टेयर में पूरा फैला हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ये इसी में आ रही है। अच्छा अच्छा, इसी एरिया में आते हैं। इसके पीछे भी है। अच्छा अच्छा, अब फिलहाल कोई आंकड़ा तो नहीं जमीन का, ये है कि आप मान के चलिए यदि राम जानकी मंदिर का देखें तो 10 बीघे से नहीं। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे ये लगा कि कोई हिस्टोरिकल मतलब है जिसको मतलब हम सुरक्षित कर सकते हैं ना, थोड़ा पैसा खर्च करके लोगों, क्योंकि अगर लोग आएंगे तो यहाँ पे मार्केट डेवलप होगी, 4-6 लोगों को रोजगार मिलेगा ना, लोगों का फायदा होगा, ज़मीन का रेट बढ़ जाएगा, जिसकी ज़मीन होगी लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, होटल और वगैरह मार्केट डेवलप हो सकती है। बाईपास रोड भी है, ये आप देख रहे हैं डबल रोड है। हाँ, ये रोड भी अच्छी बन चुकी है, कई बार बन चुकी है रोड। हाँ, यहाँ सुल्तानपुर निकलेगी, लखनऊ। हाँ हाँ, मतलब ये रोड जो है। चलिए, बहुत अच्छा लगा भाई साहब बात करके आपसे। ठीक है, तो ऐसी सांस्कृतिक विरासत आप देश के कोनों कोनों में देख सकते हैं। थोड़ा सा डेवलप किया जाए, कुछ पैसे खर्च किए जाए तो अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है।